हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? हम लोग कवर करेंगे एग्जाम्पल नंबर क्या, एग्जाम्पल नंबर 3 को देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3, किसका एग्जाम्पल नंबर 3, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 3 कवर करेंगे। और ये बहुत सरल है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। बट इसको सॉल्व करने से पहले क्या हम लोग देखेंगे, इसको इसमें जो लिखा हुआ है इसके बारे में समझेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे थोड़ा आपको कुछ अलग दिखेगा, यहां पूरा ट्रेंगल बनते नहीं दिखेगा आपको। क्या होगा? पूरा ट्रेंगल नहीं बनते दिखेगा, क्या दिखेगा बताते हैं। बट उसको करने से पहले याद रखो, ये एक्सरसाइज, ये जो एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है? ये जो एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व करवाएगा। एक्सरसाइज कौन सी? अरे यार, मैं तो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करवाएगा अच्छे से, वो है 4.3 के लिए। ये बहुत जरूरी है इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व कर लोगे तो आगे जाके दिक्कत एकदम नहीं होगी ज्यादा, ठीक है? तो देखो कह क्या रहा है, जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल के जस्ट ऊपर लिखा है कि व्हेन टू एडजेसेंट साइड, अडजा का मतलब क्या, अगल बगल की साइड अगर दी हो, अगल वाली दी हो या तो बगल वाली दी हो। जैसे कि अगर मेरे पास कोई ए बी साइड है, ए बी, ठीक है, कह रहे हैं इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, तो एडजेसेंट ए सी भी हो सकता है, हाँ कि ना, ए सी, इसके अगल के बगल, अगल क्या है ये, और बगल क्या हो सकता है, ये हो सकता है बगल, ये वाली हो सकता है बी सी हो सकता है। तो अगल बगल की साइड हमें दे, अगल बगल की मतलब ये वाली साइड हो सकता है दे दे, या तो हो सकता है ये वाली साइड दे दे, ठीक है, या तो दोनों देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, अगल बगल की साइड हमें दे, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों क्या कह क्या रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है एज, देखो यहां पे क्या लिखा है, व्हेन टू एडजेसेंट साइड, हाँ कि ना, एडजेसेंट साइड समझ गए हो, एंड थ्री एंगल्स आर गिवन, क्या हो, जब दो एडजेसेंट साइड और तीन एंगल दियो, क्या हो, तीन एंगल दियो, ये वो वाला केस है, वो समझेंगे, ठीक है। अब देखो कह रहा है यहां पे कैसे, एनसीईआरटी कह रहा है एज बिफोर, जैसा कि हमने पहले क्या किया था, वी स्टार्टेड विद कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल, हम क्या कर रहे थे, कंस्ट्रक्ट कर रहे थे ट्रायंगल को, बना रहे थे ट्रायंगल को, बना लेंगे, एंड देन लुक फॉर द फोर्थ पॉइंट, क्या कर रहे थे, पहले ट्रायंगल बना ले रहे थे, फिर चौथा पॉइंट बना रहे थे हम लोग, चौथा पॉइंट बताया था कि नहीं आपको, चौथा पॉइंट बहुत अच्छे से बताया, चौथा पॉइंट क्या होता है, ठीक है, उस चौथे पॉइंट को हम लोग बना रहे थे, और टू कंप्लीट द क्वाड्रिलेटरल, जिस इस फोर्थ पॉइंट को बनाने पे ही हमारा क्या हो जाता था, अच्छे से क्वाड्रिलेटरल बन जाता था, इसी फोर पॉइंट से हम लोग क्या करते थे, कॉर्नर्स को मिला देते थे और हमारा क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार हो जाता था, हाँ कि ना। तो यही चीज कह रहा है, एज बिफोर वी स्टार्टेड विद कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल एंड देन लुक फॉर द फोर्थ पॉइंट टू कंप्लीट द क्वाड्रिलेटरल, मतलब कह रहा है वही क्या करो, वही मेथड यहां पर लगाओ। बट ऐसा पूरा नहीं है सच, क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे आप पूरा ट्रेंगल नहीं दिखेगा आपको, यहां पे क्या होगा, पूरा ट्रेंगल नहीं बना पाओगे एक साथ, मतलब जो कंप्लीट ट्रेंगल बनता है वो यहां पे नहीं बनेगा, ठीक है। दिखाते हैं कैसे, जैसे कि यहां पे एग्जांपल देखो, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर एम आई एस टी वेयर एम आई इज 3.5, आई एस इज 6.5, एम एंगल एम इज इक्वल टू 75, आई इज 105 डिग्री एंड 105 क्या 105 डिग्री, ठीक है, और एंगल एस इज इक्वल टू 120 डिग्री। तब देखो अब क्या करना है, यहां पे देखो, ध्यान देखो, दिमाग को खोलो, क्या मैंने कहा था ना, क्वाड्रिलेटरल जब भी कोई भी कोई भी कंस्ट्रक्शन आए, सबसे पहला स्टेप क्या है हुआ प्यारे बच्चों, एक रफ डायग्राम बनाना, क्या बना, एक दर रफ डायग्राम। तो क्या करना है, एम आई एस टी क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं सोचना, क्या कर दो, ऐसे 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 क्या कर दो, क्वाड्रिलेटरल बना दो, ठीक है, और एम आई एस टी को लोकेट करना शुरू कर दो, जैसे कि ये हो गया एम, ये हो गया आई, हाँ कि ना, ये हो गया S और ये T, तो इन सबको M I S T को सीक्वेंस में लिखना, ये नहीं कि कहीं यहां पे M लिखा, यहां पे I लिखा, यहां पे S लिखा, यहां पे T, ऐसे करोगे तो पूरा का पूरा खत्म कहानी, गया कंस्ट्रक्शन हो गया फिर, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो सीक्वेंस में ही आपको इसे लिखना है, ठीक है, आपके लेवल में सीक्वेंस में ही दिया है, लेवल क्या ऐसे ही दिया रहता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो एम आई एस टी आपको बनाना है। अब देखो एम आई की वैल्यू कितनी दी है, एम आई की वैल्यू कितनी दी है, 3.5, तो यहां पे लिख दिया 3.5, क्या है सेंटीमीटर में लिख दिया, फिर क्या दिया है, आई एस, आई एस दिया है हमें, क्या आई एस दिया 6.5, तो हमने 6.5 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, यहां पे कह रहा है एंगल एम, तो एंगल एम मतलब ये वाला एंगल, ये हमें दिया है 75 डिग्री, इसी तरीके से हमें दिया है एंगल आई, मतलब ये वाला कितना दिया है 105 डिग्री, भाई साहब बहुत ज्यादा दिया। फिर कह रहा है एस, तो कह रहा है ये एस, एस दिया है हमें 120 डिग्री, तो देख लो हमें क्या मिल रहा है, हमें कंप्लीट ट्रेंगल,
क्या हम कंप्लीट ट्रायंगल, क्या यहाँ पे देखो कोई ट्रायंगल बन के तैयार है, कोई शेप ट्रायंगल बन रहा है? नहीं, बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। देखो आप कोई भी इन दोनों में से कोई भी साइड ले सकते हो, बिना साइड के आप एंगल बना सकते हो किसी के ऊपर? नहीं, बिना साइड के आप एंगल नहीं बना सकते। कोई भी आपको क्या एक लेंथ दी रहेगी, उसी लेंथ पे आप बनाओगे ना एंगल, हाँ कि ना? तो हमें एक लेंथ चाहिए और लेंथ क्या होगी, यही हमारी साइड होगी। तो कोई भी इन दोनों में से साइड आप चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो सरल पड़े, जो एंगल आप जल्दी से बना सके, कंपस से या फिर क्या कह सकते हो, क्या किससे कंपस से आप बना लो या तो प्रोटेक्टर से, जो आप नहीं बनेगा, जैसे 105 डिग्री अगर ये नहीं बन रहा है तो आप क्या प्रोटेक्टर का यूज करो, 75 नहीं बन रहा है तो आप क्या प्रोटेक्टर का यूज करो, 120 तो आप बना ही लोगे, तो जल्दी से आप क्या करो अपने कंपस से बना डालना। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या, इन दोनों में से कोई भी साइड ले लेना। मान लेते कोई आपने इस तरीके की एक साइड ले ली, कौन सी, मान लेते एम ही ले लिया आपने, क्या किया एम साइड ले लिया, एम और आई ले लिया, एम आई 3.5 मान लेते आपने ले लिया। तो अब क्या करना है, आपको एंगल बनाना शुरू करना है। जैसे कि एंगल बनाया 75, तो 75 क्या होगा, 75 कुछ इस तरीके से बनेगा। तो 75 यूं आपने बना दिया, ठीक है। अब देखो आपको पता नहीं कितना बड़ा है ये, ठीक है, ये एंगल 5 जो है, ये जो एम टी बना रहे हो एम टी, ठीक है, अभी टी को लोकेट नहीं कर सकते हो, तो बट यहाँ पे एरो पे कह दो ये टी है, ठीक है। तो ये अब आप बता नहीं सकते कितना बड़ा है टी, पर आप कैसे करोगे, देखो बताता हूं। जैसे एम क्या हो गया, एम आई बन गया आपका, अब क्या है आई एस कैसे बनाओगे, देखो 105 डिग्री, तो क्या होगा 105 डिग्री कुछ यहाँ पे ऐसे बनेगा, 105 डिग्री मैं मान रहा हूं कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इतना एंगल क्या होगा 105 डिग्री, इतना एंगल होगा 75 डिग्री, तो ये क्या होगा एम आई बन गया, और ये बन गया है क्या आई एस कितना है 6.5, तो क्या करो अपने कंपास में 6.5 मेजर करो और यू आर्क मार दो, यू आर्क मार दिया तो ये मान लिया आपने 6.5 सेंटीमीटर का ये आर्क बन गया, और ये क्या बन गया एस बन गया, ये क्या बन गया S। अब आपको क्या करना, S पे कितना बनाना, 120 डिग्री बनाना, क्या बनाना 120 डिग्री। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूं S को, तो ये मैं मान लेता हूं 6.5 डिग्री यहां तक है, मान लेते हैं 6.5 डिग्री यहां पे, तो यहां पे आर्क बना। अब क्या होगा 120 डिग्री बनाना है प्यारे बच्चों, तो 120 डिग्री क्या होगा, यहां पे आपने क्या किया 120 डिग्री मान लेते यूं गया, 120 डिग्री मान लेते यूं गया, तो ये वाला 120 डिग्री आपने बनाया और ये क्या किया आपने आर पार कर दिया, इसके आर पार कर दिया। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो कट रही है प्यारे बच्चों, ये फोर्थ पॉइंट है, यही हमें मिल गया, आराम से मिल गया ना, हाँ कि ना? हमें क्या किया, धीरे धीरे हमने करना शुरू किया और सब मिल गया। तो आप कोई भी साइड ले सकते हो और वहीं से स्टार्ट करना शुरू कर दो, बनाना शुरू कर दो, आपका सब कुछ बन के रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से अपनी A4 शीट में देखेंगे कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं।